नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ माधुरी कलाल। शाम के 4 बज चुके हैं और जी हिंदुस्तान पर सबसे बड़ी बहस के साथ एक बार फिर स्वागत करती हूँ। देखिए, सिर्फ दीवारों के नहीं, मोबाइल्स के भी आजकल कान होते हैं। उबाल मारती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने राजस्थान की सियासत में रेगिस्तान की तपिश पैदा कर दी है। जैसे रेत की मरीचिका में पानी का भ्रम होता है ना, वैसे ही राजस्थान की राजनीति में निष्ठा, ईमानदारी, उसूल, ये सब शब्द अब मरीचिका बन गए। धूल उड़ रही है, धूल छट रही है, धूल झांकी भी जा रही है। मोबाइल नाम है एक डिवाइस का जो उन सबके हाथों में आ गई है और उसने सच और झूठ के बीच की लक्ष्मण रेखा में कई सुराख कर दिए। सियासत में सच और झूठ की ऐसी मिलावट होने लगी है कि राजनीति के स्थापित चेहरे भी अपनी फेस वैल्यू खोते जा रहे हैं। आज की तारीख से राजनीति शुरू करने वाले युवा हो या बरसों की राजनीति करके पके हुए नेता, महत्वाकांक्षा और कुर्सी उनसे हर वो साजिश करवाती है जिसमें ना उम्र की सीमा है ना आदर्शों के बंधन। पायलट और गहलोत की खींचतान जिस जांच और जिस टेप कांड के कोख से जन्मी है ना, आज उसकी आकाशवाणी मोबाइल के ऑडियो क्लिप्स में वायरल हो चुकी है। 3 ऑडियो टेप्स इस वक्त सियासत के गलियारों में कान से सटाकर सुने जा रहे हैं। इन 3 ऑडियो टेप्स ने सियासत की कौन सी काली करतूतों को बेनकाब किया, ये हम आज आपको दिखाएंगे। बहस करेंगे इस बात पर कि लोकतंत्र में सरकार को गिराने की कोशिश करना बड़ा गुनाह है या चोरी चोरी अपनी ही कैबिनेट के लोगों के फोन टेप करवाना, विधायकों को बकरा मंडी कहना अपमान है या प्रलोभन देकर पाला बदलने के लिए उकसाना। आगे बढ़े लेकिन उससे पहले सवाल जो आज के एनकाउंटर में हमारे साथ होंगे, पहले नजर डालिए कि क्या कथित ऑडियो में सरकार गिराने की साजिश हुई, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, सौदेबाजी के कथित वायरल ऑडियो का सत्य आखिर क्या है, उसकी कसौटी क्या है, ये भी समझना होगा। क्या अपने ही डिप्टी के पीछे पुलिस लगाना सही लगता है, अपने ही मंत्री के पीछे, अपने ही नेता के पीछे? क्या रिजॉर्ट और होटल्स में विधायकों को कैद नहीं किया तो वो बिक जाएंगे, ये भी डर है आपको? क्या सांसदों और विधायकों को हॉर्स कहना हमारे वोट का अपमान नहीं है, आपके वोट का अपमान नहीं है? जनता क्या कर रही है और जनता ने जब वोट देकर सरकार बनाई तो क्या ये सोचा था कि इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी, इस तरह की स्थितियों को पैदा किया जाएगा? ये वाकई बहुत बड़े सवाल जिन पर आज हम बहस करेंगे कि क्या इसकी कसौटी है, कैसे इसको परखा जा रहा है, कैसे इस पर काम होना चाहिए और अब आगे आने वाली स्थिति क्या बन पड़ी है। देखिए, राजस्थान की जनता को सही जवाब चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना वोट दिया, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन राजस्थान से दिल्ली की सड़कों तक ये सवाल अब जबरदस्त जोर से पूछे जा रहे हैं। पहले मैं आपको वो ऑडियो टेप सुनाती हूं, उसके बाद बहस की शुरुआत करूंगी। पहले सुनिए वो ऑडियो टेप जिसकी चर्चा सुबह से। हेलो, आप ठीक है साहब? बढ़िया, जो सारी बातचीत हुई एकदम खुल गया, कोई शंका को नहीं। अब क्या बात होगी? बढ़िया है, तीर भराओ जी। आप ठीक है? सरकार तो रहने को नहीं, बर्खास्त करनी पड़ेगी। आप तो ठीक है, बाकी आप जो एक बार सारी संख्या पल और उसे हमने आज ही शुरू जो प्रोग्राम किए किए वो बता दिए आप। हाँ ठीक है, जो बात तुरंत की व्यवस्था मैं आपने कह दी, मेरे जी में आतरी और बनकर ठीक है। और अभी साहब ने भी मैं कह दी हूँ सचिन जी की तरफ हूँ, लिस्ट होनी हमें और बाकी बात बढ़िया होगी। होगी अभी मैं सारी बात की गोपनीय रहेगी, सिर्फ खेचियाँ सब अपनी मैं करवा रही हूँ, अमाउंट की बात होगी नहीं? हाँ धन बात कल कह दी बात एकदम सही है। ठीक है, थारी थारी वरिष्ठ पिता को और थारो आपने पूरा ख्याल पूरा चिंता मत करो। बस हम तो एक चेतन टूटी और वो प्रयास और कर लो बलवान पुनिया रो। नहीं, चेतन टूटी भी आशी, बलवान पुनिया भी आशी। और इस बार जाओ बेटो भी आ जाओ, बहुत ही बढ़िया हो जाओ फिर तो। हम संख्या ठीक है, लग रहा हमें ठीक है। ये वो ऑडियो टेप है
जिस पर सियासत का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि इसी टेप के आधार पर आरोप लगाए जा रहे थे। हालांकि अब टेप में जिनका जिक्र है वो सीधे सीधे मना कर रहे हैं। एक व्यक्ति 2-3 दिन में संख्या पूरी होने की बात कर रहा है, फिर उसी में 2 लोगों के नाम के जिक्र पर हिचकिचाता है, फिर दूसरा व्यक्ति 8 से 10 दिन रुकने की हिम्मत रखने को कहता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वाकई इस टेप पर सवाल खड़े कर रही है। ये साजिश, ये सनसनीखेज टेपकांड है क्या जो राजस्थान की सियासत में बवाल मचाए हुए? इस वक्त मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़ गए हैं। सुबोध कांत सहाय साहब हैं, नेता हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत सर। राजीव जेटली साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अशोक वानखेड़े साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अमलेंदु उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर मैं राजीव जी आपके पास आ रही हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में सरकार गिराने की साजिश को लेकर यह आरोप पहले ही लगा चुके हैं कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती थी और सचिन पायलट उस साजिश का हिस्सा हो चुके थे, पहली किस्त जा चुकी थी, लेकिन बीजेपी ने हमेशा नकारा। आज टेप आ गए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मद्री थोड़ा सा पीछे चल के सोचे इस बारे में। जो गहलोत साहब कह रहे हैं कि सरकार गिराना चाहते थे, वो आज से नहीं कह रहे हैं। आप याद कीजिए, 1.5 साल पहले जब सरकार बनी थी, सरकार बनते ही पहला इल्जाम गहलोत साहब ने जो लगाया था वो सचिन पायलट साहब के ऊपर लगाया था। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं, मुझे स्टेबल नहीं रहने देना चाहते हैं। आप ये देखिए, उनको कितनी बुरी तरह से ह्यूमिलेट किया गया, बेइज्जत किया गया कि जब पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई तो कुर्सी नहीं रखी गई थी सचिन पायलट साहब के लिए, जो डिप्टी थे उस टाइम पे। और जिस दरवाजे से अशोक गहलोत साहब सदन में, उस दरवाजे से भी सचिन पायलट साहब को अंदर नहीं जाने दिया जाता। ये जो ह्यूमिलेट किया गया, जो बेइज्जत किया गया, और जो वक्त वक्त पे 1.5 साल से कहा गया कि सचिन पायलट मेरे साथ नहीं है, और आज कहते हैं मैं गले लगा लूंगा, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो जेटली साहब, ये ह्यूमिलेशन जो सचिन जी झेल रहे थे, उसके हमदर्द आप बनना चाहते थे ना? नहीं, 1.5 साल से आप बताइए, ह्यूमिलेट वो हो रहे हैं, तो 1.5 साल से ह्यूमिलेट वो हो रहे थे, हमदर्द आप बन रहे थे, तो ऐसा ही है ना? फिर तो कहां से बीच में आई? मैं यही पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कब से पिक्चर में आई, ये बताए हमारे को। या भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान को बनते ही कह दिया था सरकार गिरा दीजिए? या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के जो लोग केंद्रीय नेतृत्व के सामने कारों के आगे लेट गए थे, वो कहते थे कि हमें मुख्यमंत्री सचिन पायलट चाहिए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था? भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का, क्या एक बार भी अपने ही नेता से मिला, युवा नेता से, अपने नेता से मिलने का उनके पास वक्त नहीं है? क्या 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 पिक्चर दिखाई जा रही है ये? अब बार बार आपका जब आपको लगता है कि बस विधायकों पे नहीं चल रहा, वीडियो कौन जारी कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक जारी कर रहे हैं कि हमारे वायदे पूरे नहीं किए जा रहे हैं? जो राहुल गांधी वायदा करके गए थे वो वायदे से मुकर गए, अशोक गहलोत ने जो किसानों को वायदे किए थे वो सुबोध जी किए जा रहे? सुबोध कांत सहाय साहब बने हुए, चलिए जेटली जी, इसका आप लोग पिक्चर में कहां से आते हैं, इसका जवाब सुबोध जी देंगे। सुबोध जी, ये बीजेपी पिक्चर में कहां से आ गई? मैंने तो सीधा सीधा पूछा है कि भाई आप टेप के बारे में जानकारी दे दीजिए, ये नकार रहे हैं। मैं कह रही हूं कि आपको ह्यूमिलेशन की जानकारी थी, उनके 1.5 साल से ह्यूमिलेट कर रहे थे उनको, तो हमदर्द आप हो लिए, तो भी वो मना कर रहे हैं, तो पिक्चर में कहां से आई बीजेपी? नहीं, मैं जितने सवाल आपने खुद ही पूछा है इनसे, मैं समझता हूं कि अगर ईमानदारी से उसी सवाल का जवाब ये भाजपा के तरफ से दे देते तब भी मैं समझता हूं कि कुछ चीजें साफ होती। आपने पूछा कि आप उनके हमदर्द बन गए पहले दिन से, आज सारा गिना रहे हैं, लेकिन टेप, सरकार गिराने के सवाल पे टेप के बारे में ये अपनी बात कहने से मुकर रहे हैं। बहुत साफ है, देखिए भाजपा जब से राजनीति में आई है, एक भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी की थी और एक भाजपा आज जो है नरेंद्र मोदी जी की है। ये जो इनका तौर तरीका, ये सरकार गिराए कहाँ, बनाए कहाँ, गिरा के मणिपुर में, ये सरकार बनाए कहाँ, गिरा करके तो गोवा में, आज चुनी हुई 2 महाराष्ट्र जो है कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकारों का कहानी आपके सामने है। अगर
अशोक गहलोत थोड़ा सा अलर्ट नहीं रहे होते तो ये जो टेप में कहा गया है गिनती पूरी हो गई है, और जो महानुभाव कह रहे हैं कि ये दो नाम जो है उसको थोड़ा फिर से और चेक कर लो, ये सारी बातें जो कह रहे हैं टेक किसका है और वॉइस किसका है ये तो टेस्ट करने पे आएगा, लेकिन अपरेंटली जो ये सारी बातें हो रही है वो सरकार तो बीजेपी बनाने की बात हो रही है ना वहां, और इसलिए आज जो घटनाक्रम हुई है अशोक गहलोत के बीच में और भाजपा के साजिशकर्ता के बीच में, वो घटनाक्रम के लिए भाजपा को अपना आईना में चेहरा देखना चाहिए। नहीं माधुरी जी, आप इनसे पूछिए कि भाजपा का साजिशकर्ता कौन है, आप उनसे नाम पूछिए उनका, क्या अपने विधायकों का नाम लेंगे, ये 30-30 विधायक बोलेंगे कि सभी भाजपा के साजिशकर्ता है, सभी भाजपा के साथ मिले हुए हैं। आज अशोक गहलोत जी को आप कुर्सी से उतार दीजिए और किसी और को मुख्यमंत्री पद पर बिठा दीजिए, देखिए उनकी स्टेटमेंट अगले दिन बदल जाएगी, तब उनको भाजपा कहने वाला कोई और हो जाएगा, तब अशोक गहलोत साहब भाजपा कहने वाले नहीं होंगे। अरे पूरे पूरे राजस्थान ने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से युवा प्रताड़ित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर। ये कोई पहले युवा नहीं है, ये पहले युवा नहीं, आपका मैं आपका बोल सकता हूँ, आपका सम्मान करेंगे जरूर, वो छोड़ दीजिए, मापदंड तय किए हुए सम्मान करने के। अरे मेरी बात सुनिए, आपका सम्मान किया जाएगा, मैं देख पा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, आपका सम्मान किया जाएगा, लेकिन आप युवाओं से पूछिए ना, आपके प्रदेश युवा अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इस्तीफा दे दिया, सचिन पायलट हाईकोर्ट में चले गए हैं, आप बताइए कौन सा ऐसा युवा है बॉम्बे के अंदर आपके प्रवक्ता इस्तीफा दे देते हैं, कोई तो ऐसा होना चाहिए आपके ऊपर विश्वास है केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर। ये बोल ले तभी मैं बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरी बात समझता हूं। हाँ, ये युवाओं के हमदर्द हैं, साथ बंधु आपको पता नहीं होगा, मैं 2.5 बरस जेल में रह के छात्र आंदोलन से निकल के यहां तक पहुंचा हूं, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जहां स्वतः लीडरशिप परिवर्तित होती रही है, उसके लिए फोर्स करने की जरूरत नहीं है, और 135 साल पुरानी पार्टी है तो यहां युवा ही नेता रहे हैं जो आज सीनियर नेता के तौर पे हो सकते हैं, और जितने युवा नेता पिछले 10 साल के सरकार में यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट जिसमें मैं मंत्री था उसमें 35-40 के बीच के हमें लगता है कि दर्जनों ऐसे लोग थे जो मंत्री थे वहां, तो इसलिए युवाओं को क्या दिया जा रहा है, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। अशोक वानखेड़े जी को चलिए, साहब मैं वानखेड़े साहब के पास जा रही हूँ, अशोक वानखेड़े जी को मैं इसमें इन्वॉल्व करना चाह रही हूँ अब, क्योंकि अब बात ये हो रही है कि 135 साल पुरानी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी युवाओं का हमेशा सम्मान करती रही, सब कुछ करती रही, लेकिन फिर भी अशोक जी ये जो टेप कांड हो गया ये तो सनसनीखेज हो गया, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री आरोप लगा दिए, फिर उसके बाद टेप आ जाता है, अब वो तूतू मेमे वाला जो दौर है वो चल रहा है, जनता तो कंफ्यूज है ना कि उनका विधायक चुना था कि हॉर्स, जिसे हॉर्स कहते हैं, मतलब अपमान है ना उस वोट का। देखिए अपमान तो वोट का पूरे देश में हो रहा है, कहीं बिहार में हुआ है, कहीं मध्य प्रदेश में हुआ है, कभी महाराष्ट्र में हुआ है, हर जगह अपमान हुआ है, सवाल वो नहीं है, सवाल है आज हम बात कर रहे हैं टेप पे, आपने टेप से शुरू किया था, इस टेप पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जितनी भी राजनीतिक दल है वो सत्ता पाने के लिए राजनीति करते हैं, कोई पूजा पाठ करने के लिए आए नहीं है, तो जहां जहां भाजपा अपोजिशन में है वो घात लगा के बैठी है कि कब हम सत्ता में आते, कांग्रेस को भी घात लगा के बैठना चाहिए, कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र में घात लगा के शिवसेना को तोड़ के सत्ता में आ गए, ये तो होना है, इसको अब बुरा मानने की स्थिति में हम रहे नहीं। बात है टेप की, अब ये कह रहे कि ये टेप गलत है, टेप झूठा है, अब ये टेप का मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो ये कहती है कि ये पहला इंस्टॉलमेंट जो है जो 3 टेप का आया, ऐसे कम से कम 12-15 टेप है, उसके बाद 6 वीडियो टेप है जो ये बता देंगे कि कौन कौन पैसा दे रहा था, कौन ले रहा था, कौन किससे संबंधित था, आप
ये बोल के हाथ नहीं हटा सकते कि आप इसकी जांच करवाइए। जांच तो संजय जोशी की टेप की भी हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, संजय जोशी का पुनर्वसन हुआ नहीं हुआ? तहलका के टेप में बंगारू लक्ष्मण को जाना पड़ा, वो टेप कांड का क्या हुआ? जब टेप आती है, जब आपको एक्शन लेना होता है, पार्टी को सूट होता है तो पार्टी एक्शन लेती है, जब पार्टी को सूट नहीं होता तो वो टेप क्या, वीडियो टेप और सब कुछ आने के बाद भी पार्टी उस पर दरी डाल देती है, चादर डाल देती है। आज एक आम आदमी जो वोटर है, जो पहला स्टार्टिंग में सवाल आपने उठाया, क्या वोटर कितना अपमानित होता होगा जब वो सुनता होगा कि एक विधायक बोल रहा है कि मेरे लिए अलग से व्यवस्था है कि नहीं, यानी मेरे लिए अलग से पैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब ये पैसे पे बिकने वाले, तो इनको घोड़े और गधे भी कहो तो मुझे लगता है ये घोड़ों और गधों का अपमान है, क्योंकि कम से कम घोड़ा खुद होके कभी नहीं बिकता, ना गधा खुद होके कभी नहीं बिकता जब तक उसका मालिक नहीं बेचता। यहां तो ये स्वयं ही मार्केट में खड़े हो गए हैं। ये टेप इसलिए भी मैं बोलता हूं ऑथेंटिक है, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं थोड़ी इसकी कड़ी जोड़ने का प्रयास करता हूं। टेप रिकॉर्डिंग का ये जो काम है, ये जनरली गृह मंत्रालय के अंडर आता है। गृह सचिव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो राजस्थान में थे अब तक, उनका नाम है राजू स्वरूप। राजू स्वरूप साहब एकाएक चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, और वो जो गुप्ता जी थे जिनका रिटायरमेंट सितंबर 2020 में होना था, उनको निकाला जाता है, राजू स्वरूप को लाया जाता है। राजू स्वरूप जब आते हैं तो दो अधिकारी वेणु गुप्ता और मुकेश शर्मा को सुपरसीड करके आते हैं, मतलब उनको लांग के आते हैं, उनसे जूनियर होते हुए भी सीएस बनते हैं। क्या अशोक गहलोत जी ने एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को बख्शीश के तौर पे चीफ सेक्रेटरी पद दिया ताकि उसने टेप करवाने में महत्वपूर्ण काम किया? ये तमाम बातें जो है, इसमें जितनी कांग्रेस फंसी हुई है उतनी बीजेपी फंसी हुई है। यदि कोई बिकने को तैयार है तो खरीदने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है। वानखेड़े जी, आपने इस बीच में आपने एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण कही है, अगर आप ये यहाँ पर कह रहे हैं तो मैं आपकी ऑथेंटिसिटी पे भरोसा कर रही हूँ कि अभी तो तीन ही आए हैं, अभी तो 12 से 15 टेप हैं, 6 वीडियो टेप हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर वीडियो टेप भी है, हाँ वीडियो टेप की भी आप बात करें, समझ लीजिए मैं अपने दर्शकों को कह रही हूँ कि अगर ये टेप सामने आती है तो फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन उसके बीच में भी राजनीति के शुद्धिकरण पे फिर सवाल कि अब जांच होगी तब देखा जाएगा। अमलेंदु उपाध्याय जी, अगर जांच में कुछ ना निकले तो फिर नतीजा क्या मान लिया जाए? जो आरोप लगाए वही सही मान लिया जाए? वो राजनीति का शुद्धिकरण की बात तो फिर कहीं हवा में है। नहीं, अब राजनीति की शुद्धिकरण की बात कैसे की जा सकती है? राजनीति के शुद्धिकरण की बात की नहीं जा सकती, राजनीति तो वास्तव में अपवित्र हो ही चुकी है। मतलब जिस तरीके से पिछले 6 सालों के अंदर राज्यों के अंदर जिस तरीके से सरकारें बनी है, तो वो तो कहीं से भी राजनीति की शुद्धिकरण की बात नहीं है। और सबसे अफसोस की बात ये है कि ये काम वो लोग कर रहे हैं जो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स की बात किया करते हैं, मतलब जिनका नारा ये है कि डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स तो ये कहीं से नहीं है। अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस भी पिछले दिनों ये काम करती रही है, तो आप तो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स थे, तो आपको ये काम नहीं करने चाहिए थे। अरुणाचल में जो सरकार बनी बिगड़ी उसके मामले में, उत्तराखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जो था वो सिर के बल खड़ा किया सरकारों को, तो ये सब चीजें देखने वाली है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, कलिखो पुल का जो एक 60 पेज का जो एक पत्र है वो सब घूम रहा है। तो इस तरीके की चीजें जिस तरीके से हो रही है राजनीति में, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि अब राजनीति में जो शुचिता की बात करते थे उनके अंदर शुचिता नहीं बची है। और अगर ये आरोप सही है और ये टेप सही है, जो अभी तक तो सही लग रहा है, अभी तक कहा जा रहा है कि हम टेप में नहीं है, ठीक है और टेप आ जाएंगे उसमें होंगे, अगर उसमें नहीं होते बहुत अच्छी बात है, आप नहीं हो उस टेप के अंदर, लेकिन उस टेप के अंदर जो है वो लोग तो सामने आएंगे ना जब जांच होगी। तो मुझे लगता है कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे आप सत्ता में आ जाएं, बस यहाँ ये हो गया कि आपका जो ऑपरेशन था वो फेल हो गया, यहाँ वीडियो बन गए, अंतर यही है। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे एक बात कही थी कि सत्ता में हम नहीं आना चाहते हैं, सत्ता में आने का कोई औचित्य नहीं बनता ऐसे वक्त पे जब हमें पता है कि कितनी सीटें किसके पास है। लेकिन यहाँ पर जो भी विरोध हो रहा है वो विरोध किसके द्वारा हो रहा है? मैंने पहले भी, मेरा प्रश्न ये था कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा सांसद, कौन सा विधायक
इस बात के लिए इन्वॉल्व है कि आप इतने विधायक को लेकर के यहाँ बैठिए या वहां जाइए। हर बार विरोध जो हुआ वो कांग्रेस के विधायकों की तरफ से। क्या हमारा वीडियो जारी हुआ है? अभी आप वीडियो की बात कर रहे हैं कि वीडियो और निकलेंगे, वीडियो तो कांग्रेस के विधायकों के निकल चुके हैं। कांग्रेस के कितने विधायकों ने इस बात को बोला कि झूठ किया गया, फरेब किया गया राजस्थान की जनता के साथ? ये अभी के मौजूदा विधायक बता रहे हैं, कोई पिछले विधायक नहीं बता रहे हैं। और मौजूदा विधायक ये बता रहे हैं कि कौन कौन सा वायदा किस किसने कब कब कहां कहां किया था, कौन सा वायदा फेल हुआ, वो बोल रहे हैं। आप जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं। राहुल गांधी जी आए थे, वायदा करके चले गए थे किसानों से, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। अशोक गहलोत साहब ने जो वायदे किए वो पूरे नहीं हुए। हम जनता को क्या शक्ल दिखाएंगे जाकर के? हम जनता के जो किए हुए वायदे हैं उस पे कैसे खरा उतरेंगे? ये हमारे इल्जाम है क्या? ये भी भारतीय जनता पार्टी के, ये सभी कांग्रेस के विधायक इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मुद्दा केवल इतना है, अशोक गहलोत साहब को अपनी कुर्सी बचानी है और अशोक गहलोत साहब की कुर्सी बचने से ही इनका राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, जो युवा राष्ट्रीय नेतृत्व जिसे तथाकथित कहा जाता है, वो अपना अस्तित्व बचा पाएंगे। क्योंकि कोई भी युवा नेता आगे निकलेगा तो वहां कहीं ना कहीं उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के राजनीतिक अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडराना शुरू हो जाता है। ये बहुत स्पष्ट संदेश है कि अभी नहीं चाहती है इनकी राष्ट्रीय लीडरशिप। राहुल गांधी जब तक स्टैंड ना हो जाए तब तक पूरी पार्टी के अंदर कोई भी युवा मतलब नेता नहीं। फिर सवाल घूम के सुबोध कांसाई साहब, फिर सवाल घूम के हाईकमान पर आ गया कि आपका राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि युवा आगे बढ़े, इसीलिए आप लोगों ने अपने ही डिप्टी के पीछे पुलिस लगवा दी, अपने ही विधायकों को कैद कर दिया क्योंकि डरे हुए थे कि सरकार गिर जाएगी। ये खुद की लिखी कहानी तो नहीं है कहीं? नहीं, देखिए जो सत्ता में, नहीं खुद की लिखी कहानी नहीं है ये, इनके प्लॉट को पहले दिन से जो इनका प्लॉटिंग था उसको अशोक गहलोत जी को पता चला है और वो चौकन्ना थे। मैं बधाई देना चाहता हूँ अशोक भाई को जिन्होंने आपको ये सारी जानकारी दी कि अभी तो और टेप आएंगे। तो इतने सारे इनको चिंता जो है युवा का, अरे राहुल गांधी ही अपना मेरा युवा नेता है जो भावी प्रधानमंत्री बनेगा, उसी में सारा समाहित है, राहुल गांधी में ही सारा समाहित है। ये बात अच्छी बात तो है, ये कौन युवा की बात कर रहे हैं? आगे प्रोफाइल कर पाएगा, आगे चल पाएगा? ये नहीं बोलेंगे तो आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो सच्चाई है, मेरा 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 राजनीतिक करियर बढ़ सकता है, मेरा राजनीतिक करियर कहाँ है? 50 साल से नीचे का नहीं, 50 साल से ऊपर का होना चाहिए। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाम साथी जो है ये राजनीतिक करियर का नहीं, मैं तो अपना राजनीतिक करियर में देश में 4 बार केंद्रीय मंत्री रहा, बहुत कम को नसीब होगा, इसलिए मैंने तो अपना पूरा कर लिया है। लेकिन जिस पार्टी के आज के कार्यकलाप हैं, जो आंख लगाए थैली लेकर के घूम रहे हैं, उनको अपने बारे में क्या कहना है, वो आज जो चेहरा है वो देखें कि ये मोदी जी के कार्यकलाप में कितनी सरकारों को इन्होंने कैसे कैसे, उत्तराखंड देख लीजिए कैसे हरीश रावत का, अभी भाई जी ने कहा कि अरुणाचल देख लीजिए, अभी हमने आपको गिनाया कि मणिपुर और गोवा और चुनी हुई दो सरकार तो हमारी। सहाय साहब हमने कोई सौदा नहीं किया है कि ये विपक्ष में रह के इतना स्ट्रॉन्गली अगर परफॉर्म कर रहे हैं। राजनीति है, महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की हो सकती है, गलत सही तो बाद की बात है। आप अपनी पार्टी के अंदर दो धड़े क्यों खड़े कर देते हैं, दो गुट क्यों पैदा हो जाते हैं कि ऐसी स्थितियां आन पड़ती है? तब तो फिर हाईकमान को सोचना चाहिए ना, तब तो फिर राष्ट्रीय नेतृत्व को वाकई सोचना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो 4 महीने पहले करके गए, सचिन पायलट अभी करने वाले थे, बस अंतर ये था अशोक जी कि ये सामने आ गया, ये एक्सपोज हो गया और सब खेल संख्या बल का है, संख्या थी नहीं तो बनाए कैसे? हाँ तो पहले एक धोखा हो गया था उसमें ज्योतिरादित्य, हमारे भारतीय पकड़े गए ये लोग और यही है सवाल, पकड़े गए। देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेता को लुभाता है या तोड़ने का प्रयास करता है तो वो तो करेगा, क्योंकि वो सत्ता में, जैसा कि अभी हमारे राजनीतिक समीक्षक ने कहा कि अब राजनीति में कोई एथिक्स रहे नहीं है, राजनीति में सिर्फ सत्ता पाना ही लक्ष्य है, एन केन प्रकरण कुछ भी करके।
तो ऐसे में हर पार्टी को अपने लोग संभालने चाहिए। उन्होंने कल भी कहा था जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं विरोध के सुर उठते हैं। अब रही बीजेपी के प्रवक्ता की बात, उनको राजेश वो पायलट साहब के सचिन पायलट का विद्रोह बहुत द्रवित हृदय से वो बता रहे कि युवाओं पे अन्याय हो रहा है। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, पवैया साहब बहुत पुराने मध्य प्रदेशी हैं, आज वो रो रहे हैं कि सिंधिया के लोगों को सब कुछ बांट दिया तो हम लोग क्या करेंगे। उमा भारती कह रही है, एकनाथ खड़से महाराष्ट्र में रो रहे हैं कब से, उनके ऊपर अन्याय हुआ। क्या ये विरोध के स्वर बीजेपी को अपने अंदर नहीं दिखते, वहां पे भी है। आज कलकत्ता का जो पूरा काम देख रहा है कैलाश विजयवर्गीय, आप तो बड़ा अच्छे उनको अप्रिशिएट करते कि कलकत्ता में आपने वेस्ट बंगाल में इतनी लोकसभा की सीट लाए, लेकिन उस इंसान ना विधायक है ना वो राज्यसभा है। उनसे कई जूनियर लोग राज्यसभा बन जाते लेकिन उस पे अन्याय है, क्योंकि वो बहुत तेज नेता है और शायद फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी तेज लोग नहीं चाहिए, इसलिए वो भी रबर स्टैंप ढूंढ रहे। ये आरोप हम भी कर सकते हैं एक विश्लेषक के तौर पे, लेकिन मतलब ये कहें अशोक जी ये कहें कि देखिए चोर चोर मोसेरे भाई वाली जो कहावत होती है ना कि आप कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, आप एथिक्स तो भूल जाइए। मतलब टैलेंट से ये डरते हैं, टैलेंट से ये भी डरते हैं। कही थी एक सेकंड, एक मिनट बोल रहा हूँ, एक बढ़िया बात कही थी राजनीतिक विश्लेषक ने कि कांग्रेस तो जो कांग्रेस भ्रष्ट थी, नकारा थी, कमजोर थी, इसलिए कांग्रेस हशिए पे चली गई, लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस करके जो सत्ता में आई वो क्या कर रही है। शायद पार्टी विद द डिफरेंस के मायने ये है कि जो सत्ता में है उसके डिफरेंसेस ढूंढो, उसको कैश करो और फिर सत्ता काबिज करो। शायद पार्टी विद द डिफरेंस का नया डेफिनेशन ये है आज के डेट में। राजीव जी इसका जवाब आप जल्दी दे दीजिए, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद क्योंकि एसओजी जांच के लिए मानेसर पहुंच रही है, मुझे वहां से भी अपडेट लेना है, जयपुर में भी कुछ नया खेल हो रहा है उसका भी अपडेट लेना है, और ब्रेक के बाद मैं वो टेप के और हिस्से भी सुनाऊंगी, आप इसका जवाब जरूर दे दीजिए। पर मैं केवल इतनी बात बोलना चाहता हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के आसाम तक, अरुणाचल प्रदेश तक, आप एक भी ऐसा लीडर बताइए भारतीय जनता पार्टी का जो अपनी टैलेंट की वजह से आगे ना आया हो। देश के प्रधानमंत्री ने भी आप देखिए गली गली कूचे कूचे में खाक छानी है, उन्होंने पैदल चले हैं, वो साइकिल पर चले हैं वो, और इसके बाद वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से का नाम ले रहा हूं मैं, आपको नाम बता रहा हूं राजीव जी, एकनाथ खड़से जिसने महाराष्ट्र में पार्टी को खड़ा किया गोपीनाथ मुंडे के साथ मिलकर, आज उनको एक विधानसभा का टिकट नहीं मिलता। टॉप के 20 नेताओं में एक गिरे जाते हैं, आपको उनकी ताकत का उनकी पावर का अंदाजा नहीं है। आप मैं बताना चाहता हूं कि आप देखिए मुझे है पार्टी के अंदर मुझे है आपको नहीं है, जो आप राज्यसभा और विधानसभा लायक नहीं समझते, आपसे एक विशेषज्ञ से बहुत अच्छे नेता है वो, यदि बलूनी राज्यसभा में जा सकते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय राज्यसभा में क्यों नहीं जा सकते। मेरा सवाल यह है तो मैं वो भी दे सकता हूं, अनिल जैन हो सकते हैं के तौर पे आपका जवाब देना चाहता हूं, मैं अरुण कुमार हो सकते हैं, अरुण सिंह हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया जो राज्यसभा नहीं आ सकता, बताइए मुझे जिसको जिसके पास ये संपदा चलती आए कि उसने आगे बढ़कर नेता ही बनना है, उसने आगे बढ़कर के वो पद ही पाना है। अरे हमारे हमारी भारतीय जनता पार्टी में देश के वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली जी, आज उनकी सुपुत्री राजनीति में नहीं है, सुषमा जी हमारी सवालों का जवाब नहीं दिया। एकनाथ खड़से पवैया साहब मध्य प्रदेश में, एकनाथ खड़से महाराष्ट्र में, कर्नाटक में ऐसे दसों नेता है जिनका नाम ले सकता हूँ, वो विरोध का सुर कर रहे हैं, उनके विरोध के सुर को क्यों नहीं बताया जा सकता। जहाँ पे पहले से चुनाव यशवंत सिन्हा लगातार बोलते हैं, यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं है ये बता दीजिए आप। यदि यशवंत सिन्हा लगातार पार्टी विरोधी बोल रहे हैं तो उनका क्या मायने समझे जनता। देखिए ये आप बोलिए, आप बताइए यशवंत सिन्हा पार्टी में है या नहीं है। यशवंत सिन्हा जी कांग्रेस पार्टी के कहने पे बोल रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे, कोई भी बोल रहा है उसको डेमोक्रेटिक अधिकार। अच्छा अच्छा आप बोलेंगे तो फिर राजीव जी गहलोत जी की तरह कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे किसी भी बात का। ये भी बोल रहे हैं बीजेपी की वजह से, हाँ, और बीजेपी आप ही के नेता कह रहे हैं कि अशोक अरे आप ही के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और वसुंधरा जी एक है, आप ही के नेता कह रहे हैं राजस्थान में, बिल्कुल बिल्कुल अशोक गहलोत बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। हाँ उसपे
उस पे सफाई दे दी। ये बात हनुमान बेनीवाल जी ने कही थी, हनुमान बेनीवाल ने कही थी, आरएलपी पार्टी वाले हनुमान बेनीवाल जो आपके साथ सहयोगी है राजस्थान में। राजीव जी, 3 सीटें आरएलपी की, अभी नहीं 72+3 वो देते हैं आपको, 75 बनाते हैं। राजनीतिक पार्टी का नेता अगर ट्वीट करता है तो उसके पास वो स्वतंत्रता है इस बात रोकने की। हाँ, वो स्वतंत्रता पे ही सवाल नहीं उठा रहा है कोई सर, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि टेप कांड सामने आ रहा है, नाम सामने आ रहा है, आरोप लग रहा है, उस पर जवाब दीजिए। आप जैसे ही किसी और पर लांछन लगाते हैं फिर आपके ऊपर भी आएगा। मेहमान लगातार बने हुए और शायद मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप भी मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन इस बीच मैं वो ऑडियो टेप आपको सुनाती हूं जिसमें बात सीधी सीधी खरीद फरोख्त की हो रही है, विधायकों के खरीद फरोख्त की। सुनी? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, गजेंद्र सिंह बात करूं महाराज। मैं बिना उम्र आशीर्वाद दे दूं, बिल्कुल बिल्कुल, आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होते हैं। बिल्कुल, सर बाबू, एक दो दिन में संख्या पूरी हो जी थी, बस संख्या पूरी हुई यहाँ के गोदा जिज्ञा से। अब तो कहीं है, मैं कल संजय जी ने भी बात करी है, तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की हिम्मत इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार राज तो रहे कौन से 12 में 15 दिन तक, जो छोड़ दी जो लोग अपन के ना दे। नहीं मैं भी समझूंगा, होटल से रात अलग होनी, हाँ, और संख्या बल है कोनी, संख्या बल है कोनी, और बाकी वो बात आप संजय जी होगी कि संजय की वो मेरे विदेश में ना वो नहीं, मैं बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, तो मैं कर लूंगा बात, ठीक हो, तो मैं वो थे देख लिया, ठीक हो। कब इस टेप में आपने सुना, ये राजस्थानी में बोल रहे थे कि होटल राज चाले कोनी, संख्या बल है कोनी, मतलब होटल से राज नहीं चल सकता और संख्या बल इनके पास है नहीं। पूछ रहे हैं कहां है संख्या बल, क्योंकि संख्या बल नहीं होगा तो आप सरकार को अल्पमत में कैसे कह देंगे, जबकि बीजेपी ने कह दिया था कि सरकार अल्पमत में। गुलाब चंद कटारिया ने कहा, सतीश पूनिया जी ने हमसे कहा कि हम सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने आकर आरोप लगाया। मैं शशि आपके पास आ रही हूं, ये साफ साफ आप भी समझ पा रहे होंगे कि होटल से राज नहीं चलता, संख्या बल है नहीं, यही इस टेप में आया था। जयपुर में इस वक्त क्या गहमा गहमी, क्या चल रहा है, क्या विधायकों को अभी भी कैद करके रखा हुआ है? आपकी बात में एक सेंटेंस और जोड़ूंगा, और इसमें यह भी कहा गया कि अगर आपने 10-15 दिन भी रुकना पड़े तो घबराजो मत ही, यानी 10-15 दिन रुकना पड़े तो घबराना मत, यानी आगे की तैयारी उधर भी है, आगे की तैयारी उधर भी है, और तैयारी इधर की भी परखी जा रही है। लेकिन बहरहाल सरकार में है, तब तक फ्लोर मैनेजमेंट में फ्लोर टेस्ट की व्यवस्था कर ली जाए और सदन में अपना बहुमत परख लिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से बहुमत साबित कराने की या ना तो मांग की जाएगी ना पहल की जाएगी, लेकिन सरकार के रणनीतिकार यह भी मान रहे हैं कि अगर कुछ निर्दलीय विधायकों की तरफ से इस मांग को करा दिया जाए बहुमत पास आते ही, और एक बार फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए तो फिर 6 महीने तक पूरा मामला टल जाएगा, क्योंकि सरकार के पास इतनी लिबर्टी होती है विधानिक नियमों के कायदे में। एक बार फ्लोर टेस्ट कराने के बाद विपक्ष अगले 6 महीने तक फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर सकता, और अशोक गहलोत के लोगों को यह विश्वास है कि उनके नेता 6 महीने में पूरे मामले को सेटल कर देंगे। बहरहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हाई कोर्ट में अलग अलग जगह से पैरवी की जा रही है। जस्टिस एडवोकेट हरीश सालवे हैं वो लंदन से जुड़े हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रतीक कासलीवाल जुड़े हैं। दरअसल कोरोना के चलते हाई कोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई हो रही है। 10वीं अनुसूची के तहत हरीश सालवे का कहना है कि विधायक दल की बैठक को किसी भी जगह आयोजित कर लिया जाए तो वो 10वीं अनुसूची के दायरे में नहीं आती। साथ ही उनका कहना है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो नहीं रोकी जा सकती। जो बागी विधायक है उन्होंने पार्टी के आलाकमान के प्लेटफॉर्म के ऊपर सवाल उठाया था और नेतृत्व पर एतराज जताया था कि नहीं है, लिहाजा इसको 10वीं अनुसूची के दायरे में नहीं माना जा सकता। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि पिछले दिनों जनवरी 2020 इसी साल में मणिपुर हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में विधायक की अयोग्यता के मामले में अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया था, कहा था कि 10वीं अनुसूची के तहत हाईकोर्ट के दायरे में। जयपुर के अपडेट्स मेरे पास आ गए, मेरे गेस्ट भी सुन रहे हैं इसको। मानेसर में जा रही हूँ, हितेन मेरे साथ बने हुए। हितेन, मानेसर में बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, एसओजी जांच के लिए पहुंच रही है, क्या अपडेट?
देखिए माधुरी, बैरिकेडिंग दो ही है जो शुरुआत से यहाँ पे लगी हुई थी, वो आईटीसी ग्रैंड होटल के एंट्रेंस पर वो दो बैरिकेडिंग है, लेकिन आप यहाँ पे हरियाणा पुलिस की फोर्स जो है वो बड़ी संख्या में देख सकते हैं। हालांकि काफी दिनों से हरियाणा पुलिस यहाँ बनी हुई थी, लेकिन दो या चार संख्या में हरियाणा पुलिस के जवान दिखते थे, लेकिन आज जैसे ही जयपुर से एसओजी की टीम रवाना हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सुरक्षा बल जो है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि ये सुरक्षा बल इनकी सुरक्षा में बढ़ाई है या फिर एसओजी जो पूछताछ करने आ रही है दो विधायकों से उसकी मदद के लिए बढ़ाई है, ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन पुलिस बल जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित है। लगभग 5 बजे के करीब जो है एसओजी के पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। अगर एसओजी पहुंचती है उसके बाद ही साफ होगा कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी कि हरियाणा में हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस के संरक्षण में सचिन पायलट अपने विधायकों को रखकर बैठे हुए, इसलिए कहीं ना कहीं ये पुलिस किसकी सुरक्षा के लिए किसके लिए आई है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में हरियाणा पुलिस के जवान जरूर पहुंचे हैं। जैसे ही एसओजी पहुंचेगी उसके बाद ही साफ होगा कि ये उनकी मदद के लिए आए हुए या फिर जो विधायक अंदर रुके हुए उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे संख्या बल बढ़ाई गई है। चलिए बहुत शुक्रिया, मैं अमलेंदु जी के पास जा रही हूँ। अमलेंदु जी, हालांकि देखिए इस पैनल से सुबोधकांत साहे साहब जा चुके हैं, लेकिन अमलेंदु जी, अशोक गहलोत साहब ने कहा कि मेरे पास हॉर्स ट्रेडिंग के पुख्ता सबूत हैं और जो मेरे साथ नहीं है उन्होंने पैसे ले लिए, ये बहुत बड़ा आरोप था। हालांकि वीडियो की जांच होगी, नतीजा निकलेगा, लेकिन राजनीति इस तरह से तो नहीं हो सकती ना कि आप पैसे ले लें, पैसे दे दिए, ये सब बातें इतने बड़े बड़े नेताओं के मुंह से अच्छी नहीं लगती। नहीं देखिए, जब ये बातें हो रही है तो बड़े नेताओं के मुंह से भी निकलेगी, छोटे लोगों के मुंह से भी निकलेगी। अगर ये बातें हो रही है, देखिए बिना पैसे के लेन देन तो ये सब चीजें हो नहीं सकती, क्योंकि पैसे का एक बहुत बड़ा रोल है और ये सारी चीजें जो है और राज्यों में भी देखने को आई है जिससे पैसे का लेन देन हुआ। तो पैसे का रोल तो है, इससे तो इनकार नहीं किया सकता। आपको यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ बात है, अशोक गहलोत के आरोप सही है कि नहीं है सवाल ये, तो ये तो जांच के बाद ही तय हुआ कि आरोप सही है कि नहीं है, तो जांच हो रही है, तो ये जांच कर रही है, ये तो जांच के बाद तय होगा। लेकिन देखिए राजनीति में पैसे का रोल है और आज से बहुत समय से जो है पैसा जो है बहुत उनका लिखा रहा है, तो इसलिए इससे इनकार नहीं किया सकता। अब सवाल ये कि जैसे आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि लोग की जाते हैं तो आपके जनता के वोट का छल नहीं होता, सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों ने आपको वोट दिया था, वोट आपको इसलिए नहीं किया था कि आप जो है वो पिक चाहिए, तो आप जो है वो अपनी जनता के साथ भी छल करते हैं जिसने आपको वोट दिया था और अपने दल के साथ भी छल करते हैं, और सबसे बड़ा छल आप अपने स्वयं के साथ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सरकारें रहती है और ऐसा नहीं है कि सरकारें जो है, अगर मान लीजिए आज सरकार भी आती है तो ये क्या बना लेंगे दोबारा सरकार, बना लेंगे राजस्थान बन सकती है क्या, इनका ये चीज पैदा नहीं हो। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को बचा देना चाहिए और जनता ने सबसे बड़ा कि जनता के साथ जो है वो किसी भी तरीके का विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जनता ही सर्वोपरि है, जनता के साथ जो है वो विश्वासघात। अशोक वानखेड़े जी, अशोक वानखेड़े जी, अभी आपने मेरे को कहा कि ये तो सिर्फ 3 टेप सामने आए हैं, अभी तो और भी कई टेप आएंगे, वीडियो टेप्स भी आएंगे, मतलब ऐसा था क्या कहीं अपने ही डिप्टी के पीछे पुलिस लगाना, फिर ये सारी कहानी को क्रिएट करना, ये अंदर अंदर खाने तो नहीं चल रहा था? मतलब अगर 3 टेप है और अगर आते हैं तो ये भी तो प्लानिंग के तहत रिलीज किए जा रहे होंगे ना, कहीं तो कुछ चल रहा होगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, उसके पास लगातार होम मिनिस्ट्री ये सूचना देती रहती है कि उनके भी पार्टी में क्या चल रहा है, विद्रोह कहाँ हो सकता है क्या नहीं, ये एक रेगुलर ब्रीफिंग है, चाहे इसको आप अच्छा मानो या बुरा मानो। 25 साल से हम दिल्ली में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, हमने देखा है ये हर पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी सत्ता में वो ये ब्रीफिंग मिलता है। जब अशोक गहलोत को ये ब्रीफिंग मिला कि आपकी सरकार जा सकती है और कुछ जगह आपके यहाँ गड्ढा है, तो अशोक गहलोत ने वो करवाया। ऐसा ही बाकी स्टेट्स में भी हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही करती है। और पैसे का, जैसा अभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि पैसे का खेल कहाँ नहीं हुआ, जब राव साहब की सरकार बचानी थी तो जिनने पैसे लिए उन्हें बैंक में रखे, बैंक में पैसे रखने के बाद वो पकड़े गए, बेचारे जेल हुई उनको, उसके बाद कैश फॉर वोट करके लोकसभा में बाकायदा पैसों का नोट के बंडल लेके बीजेपी के लोग पहुंच गए थे कि देखो हमको रिश्वत दी गई। क्या हुआ उस कांड का कुछ पता नहीं पड़ा। एक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक मंत्री थे
जिन्होंने बड़े शेर शायरी करते हुए हाथ में कैश लिया था, ये बोलते हुए पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, क्या हुआ उस कांड का भी? पैसा राजनीति में हमेशा चलता आ रहा है और अभी कुछ सालों से राजनीति और पैसा ये एक हो गए हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं तो आप राजनीति कर नहीं सकते, क्योंकि मोरालिटी, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, राजनीतिक जो मूल्य होते हैं, मूल्यों की बात अब करनी नहीं चाहिए। मूल्यों की बात करना ये मूर्खतापूर्ण परिणाम साबित होगा। चुनाव के दौरान लाखों करोड़ों रुपए व्यय होते हैं, क्या हमें देखती दिखाई नहीं देता? इलेक्शन कमीशन हर साल चुनाव में, हर बार चुनाव में करोड़ों रुपए कैश पकड़ती है, क्या ये लोगों के बीच में नहीं आता? तो मतलब मैं राजीव जी से, मैं राजीव जी के पास आ रहा हूँ, वापस आ रही हूँ आपके पास, वापस आ रही हूँ, क्योंकि मुझे समझना है अब क्या क्या होने वाला है, किसके पास क्या ऑप्शन बचा है। लेकिन राजीव जी, इसका मतलब जो पार्टी विद अ डिफरेंस आने वाली पार्टी थी वो वैसी नहीं रही, वो भी उसी परंपरा को फॉलो कर रही है। देखिए बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ईमानदारी के साथ डिलीवरी भारतीय जनता पार्टी की इस देश की जनता ने देखी है। सॉरी, विश्लेषक अपनी तरफ से किस तरीके की बात रख रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। जनता अपनी डिलीवरी देखती है, गरीब व्यक्ति अपनी डिलीवरी देखता है, कहां कहां तक कौन कौन सी योजनाओं को किस माध्यम से पहुंचाया गया। इस देश के बड़े से बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर, एसओजी जनता ने नहीं लगाई ना सर, जमीन पर कार्य, ह्यूमिलेशन जनता ने नहीं किया ना। आपने क्या कहा? एसओजी जनता ने नहीं लगाई, ह्यूमिलेशन जनता ने नहीं किया, जिसका जिसका दर्द आपको भी है। नहीं, एसओजी जो आपने एसओजी की बात करी, एसओजी तो आप, मुझे लगता है कि लगभग 1.5 साल पहले लग गई होगी, इसीलिए ना यहाँ ये बात का नहीं असर है। मैं तो ये कह रही हूँ कि पार्टी विद अ डिफरेंस आती है बीजेपी, और अब कहानी ये है कि भाई ये कर रहे थे, ऐसा सब जगह होता है आप, और ये सच भी, आप जहाँ विपक्ष में है वहाँ मजबूत होते हैं, आप कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या देखा है 4 महीने पहले लोगों ने? मैं बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि हम ये कहना चाहते हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी हो, अगर उसका कोई भी नेता इस तरीके की गतिविधियों में, यहाँ पर सीनियर जो सेंट्रल लीडरशिप जब एंगेज होती है करप्शन के अंदर, तो वो करप्शन नीचे तक पहुंचता है, लेकिन अगर करप्शन किसी स्तर पर रह जाता, किसी नेता के स्तर पर रह जाता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। आज आप बार बार बात कर रहे हैं कि अशोक गहलोत साहब इल्जाम लगा रहे हैं नेताओं पर, अपने नेताओं पर, अपने कांग्रेसी विधायकों के ऊपर कि ये बिक जाते हैं, इनकी कीमत इतनी है। ये चर्चा क्यों नहीं की जा रही है अशोक वानखेड़े साहब की तरफ से कि अशोक गहलोत साहब ने अभी तक अपनी कुर्सी कैसे बचा के रखी हुई है? अगर उन्होंने अपने नेताओं पर, अपने विधायकों पर इल्जाम लगाया, तो दूसरी तरफ भी उन्हीं के विधायक हैं जो उनके साथ खड़े हैं, उनकी क्या कीमत लगाई होगी अशोक गहलोत साहब ने? ये भी चर्चा होना चाहिए। हाँ, दोनों ही तरफ अगर दिक्कत है, तो वो दिक्कत केवल कांग्रेस पार्टी से आ रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री अगर बनना था तो अशोक गहलोत साहब बने, अगर वो नहीं बनते तो भी कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्री होते, चाहे वो सचिन पायलट होते। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि दोनों तरफ तराजू के दोनों पलड़े में आप देखेंगे तो आपको कांग्रेसी विधायक ही नजर आ रहे हैं, कांग्रेसी विधायक ही बिकने वाले और कांग्रेसी विधायक ही बेचने वाले। अब दोनों के ऊपर अगर आप ये सोचिए कि अशोक गहलोत साहब ने 1.5 साल से किसी को ह्यूमिलेट किया, मैं उनका वकील नहीं हूँ सचिन पायलट जी का, जो बिकने वाले और बेचने वाले तो पता चल गया, खरीदने वाले कौन? एक मिनट, खरीदने वाले का कोई रोल नहीं है। यदि मार्केट में खरीदने वाला ही नहीं होगा तो बिकने वाला आएगा कहां से? हाँ, कोई माल वाला बेचेगा कैसे? मार्केट में खरीददारों की कीमत है। तो बोलिए ना, यदि माधवराव सिंधिया, यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को यदि ये आश्वस्त नहीं करते कि आपके सारे लोगों को आप मंत्री बनाएंगे, क्या कारण है कि एक विधायक, एक अभी तक जिंदगी भर कांग्रेस का होता है, उमा भारती के घर में खड़ा होके वो बीजेपी ज्वाइन करता है, इस्तीफा देके दूसरे दिन राज्य मंत्री पद के एक कारपोरेशन का चेयरमैन होता है? क्या भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता नहीं ऐसा बचा मध्य प्रदेश में कि जो उस कारपोरेशन का चेयरमैन बन सकता था? ऐसे क्या इस 22 लोगों में जो कांग्रेस की कल तक पालकी उठाते थे, ऐसा क्या देखा कि आज बड़े बड़े ओहदे पे बैठे भारतीय वहां पे? क्या क्या कारण है ये देखना पड़ेगा आपको। तो यही तो पूछ रही थी मैं भी कि विद डिफरेंस में क्या अंतर रह गया फिर तो सब बराबर है। नहीं, मैं देखिए, हर किसी को मौका मिलता है, कोई राजनीतिक पार्टी का सक्षम नेता अगर दूसरी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको जीरो से आना पड़ता है, उससे जनता के लिए काम किया, जनता के लिए मेहनत की है और जनता में उसकी आइडेंटिटी। और कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसका जनता के प्रति लगाव है और जनता जिसे प्रेम करती है, उसको कोई भी राजनीतिक पार्टी सम्मान देगी,
और मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले सम्मान तो अपनी पार्टी के अंदर देना चाहिए। आपने अपनी पार्टी के अंदर जो जिस जिस लीडर के चेहरे पर चुनाव लड़ा, जिस लीडर को आगे लड़कर खड़ा कर करके कहा कि ये हमारा अगला नेतृत्व हो सकता है, आपने उसी को दरकिनार कर दिया। तो आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा स्पष्ट किया कि भाई ये हमारे लीडर हैं और इनके पीछे कोई बैकिंग नहीं है। बैकिंग का मतलब इनके पीछे कोई ऐसी असुरक्षा नहीं है जो सेंट्रल लीडरशिप को होती है, जिनकी वजह से उनको रोक लिया जाए। अरे भाई, सबको स्वतंत्र अधिकार है, अगर किसी के पास काबिलियत है तो वो आगे आएगा, क्यों नहीं आएगा? और वो आगे आएगा, उसका ख्याल भी पार्टी रखेगी। यहाँ पर चर्चा ये होनी चाहिए कि अशोक गहलोत साहब की स्टेबिलिटी के पीछे अगर कोई वजह है तो वो वजह क्या है। वो वजह केवल और केवल सेंट्रल लीडरशिप है, ये कोई स्टेट लीडरशिप। लेकिन लेकिन राजस्थान में ही, राजस्थान, राजीव जेटली देखे, राजस्थान में ही जो पार्टी बीजेपी के सहयोगी पार्टी आरएलपी, उन्हीं के जो संयोजक हैं हनुमान बेनीवाल, वो खुद कह रहे हैं कि वहां तो अशोक गहलोत सरकार को वसुंधरा राजे बचा रही हैं। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि देखिए, झगड़ा कांग्रेस के घर का है, पहले तो कांग्रेस के हाईकमान को सुलझाना चाहिए था कि भाई दो लोग लड़ रहे हैं, दो धड़े बन गए, तो फिर क्यों नहीं इसको वहां पे खत्म कर लिया जाता। जब बाजार में आ ही गया मामला और फजीहत हो ही रही है, तो फिर अपनी ही सहयोगी पार्टी आपको कह रही है कि आपने तो वसुंधरा राजे बचा रही है अशोक गहलोत को, वो तो अलग अलग पार्टी के धड़े हो गए ना। चलिए, इस वक्त अशोक पांखड़ जी, मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त जयपुर में जा रही हूँ बड़ी खबर के लिए, शशि। देखिए माधुरी, जो डिविजनल बेंच सुनवाई कर रही थी हाई कोर्ट की, उसने मामले को सोमवार तक मुलतवी कर दिया है। अब जो अगली सुनवाई है पूरे मामले की, वो सोमवार को होगी। यानी विधानसभा अध्यक्ष इन 19 विधायकों पर जिनको नोटिस दिया गया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हैं सोमवार तक। कल शाम को जब डॉक्टर सीपी जोशी से हमारी बात हुई थी, तब हमने यही पूछा था कि क्या आपने हाईकोर्ट में ऐसा कुछ आश्वासन दिया है कि वो कोर्ट की कार्रवाई तक या 5 बजे तक कुछ नहीं करेंगे। तो उनका कहना था कि वो कोर्ट से किसी तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, विधायिका और न्यायपालिका में टकराव नहीं होना चाहिए, लिहाजा कोर्ट इस पूरे मामले को जब सेट असाइड कर देगी, उसके बाद में ही वो कोई एक्शन लेंगे। जब उनके वकील उनको जानकारी देंगे कि कोर्ट का क्या फैसला रहा, क्या निर्देश रहा, उसके बाद कोई एक्शन उनकी तरफ से होगा। अब चाहे वो विधायकों को योग्य साबित कर या योग्य मानने का हो या उनकी अयोग्यता का हो, बहरहाल मामला सोमवार तक के लिए स्थगित हो गया। अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी, यही अभी अपडेट है इस मामले में। चलिए, इस बात में अपडेट भी आ गया। राजीव जेटली जी, आप बता दीजिए, आपका जवाब पूरा कीजिए। देखिए, मैं एक बात कह रहा था कि अगर आप ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी ने ट्वीट करके कहा कि वसुंधरा जी चुप है, चुप है का मतलब उनकी, आपका तात्पर्य निकल रहा है बात का कि वो क्या कहते हैं, अपना गहलोत साहब के लिए के खिलाफ नहीं बोल रही है, तो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं इस मसले के ऊपर। अशोक बेनीवाल जी को, हनुमान बेनीवाल जी को भी अगर आप कोट करके इस बात को रखें आगे, तो अब मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि भारतीय, मैं शुरुआत से एक ही प्रश्न कर रहा हूँ कि हमारी राजनीतिक पार्टी का एक बहुत क्लियर चीज है। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब कहते हैं कि आपका स्वागत है सचिन पायलट को, आपके दूसरे नेता स्वागत करते हैं, गुलाबचंद कटारिया गृहमंत्री रह चुके हैं राजस्थान में, वो स्वागत करते हैं, बड़े नाम है, बड़े नेता है, वसुंधरा जी वहां भी चुप है। तो ये लोगों को समझ नहीं आ रहा ना कि आखिर चल क्या रहा है। ये बीजेपी चाहती थी उनका ऑपरेशन फेल हो गया, या सचिन पायलट के पास संख्या बल नहीं था तो आपने सोचा चलिए काम के क्या है हमारे, सब सरकार ही नहीं बना पाएंगे यहाँ। देखिए अशोक, बिल्कुल नहीं, जेटली जी जरा एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, एक सेकंड। आपने कहा कि ये केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का वीक है, कांग्रेस वाले बिकने को तैयार है, हमारा कोई रोल नहीं है। ऐसा ही हाल फिर जब महाराष्ट्र में हुआ, तब आपने कांग्रेस और एनसीपी पे क्यों आरोप लगाया कि शिवसेना को हमसे तोड़ के अलग ले गए, तब क्यों आपने नहीं समझ आपने शिवसेना को संभाला? छोड़ दीजिए महाराष्ट्र का, यहां पे बड़ी क्लियर कट राजनीति है। आप माने ना माने, राजनीति यह है कि वसुंधरा को कोई भी केंद्र में ना अमित शाह पसंद करते हैं, ना नरेंद्र मोदी पसंद करते हैं, ये सारे लोग जो राजनीति को जानते हैं वो समझते हैं। वसुंधरा को अपना राजस्थान में यदि वजूद ठीक करना है तो उसको ये गहलोत की सरकार 5 साल चलवानी होगी, क्योंकि उसके बाद यदि बीच में कोई टूट फूट होती है तो फिर वसुंधरा का क्लेम नहीं बनता मुख्यमंत्री पद पे। वसुंधरा के पास आज भी मरी हुई हालत में 30 से 35 विधायक है जो उसके लॉयर है, इसलिए अशोक गहलोत ने पहले से ही 42 का आंकड़ा आता है। बार बार कहता हूँ, कल भी 35 क्या 42 का आंकड़ा आता है जो उनके समर्थक उसमें आते हैं। कल भी मैंने कहा था, जिस एसओजी की बार बार बात हम कहते हैं, वो एसओजी को जो एडीजी है
वो है अशोक राठौर। अशोक राठौर की पत्नी जो गायत्री राठौर है वो पीएस रह चुकी है वसुंधरा जी की। तो लोग तो ये भी कहते हैं, ब्यूरोक्रेट तो ये भी कहते हैं राजस्थान में कि अशोक राठौर का अपॉइंटमेंट एडीजी एसओजी जो किया है ये वसुंधरा जी के कहने पे किया है, क्योंकि उनका टारगेट गजेंद्र सिंह शेखावत है। वो गजेंद्र जी किसी को निपटाना चाहती है, एक कोई चिटफंड, वो जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का घोटाला है, ऐसे कई परतें खुलेगी। ये राजनीति मतलब सीधा 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 कह दिया जाए, सीधा सीधा कह दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शशि और हितेन आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी मैं सीधे सीधे कहूं कि ना जो हालत इस वक्त बीजेपी की थी वहां पे वही हालत कांग्रेस की है, और इसी वजह से सचिन पायलट का रास्ता रुका हुआ है। अब घर वापसी करेंगे नहीं करेंगे इस पर भी सवाल है, वो कैसे अपने नंबर्स को पूरा कर पाएंगे इस पे भी सवाल है, क्या वो और नई पार्टी के बारे में सोचते हैं इस पे भी सवाल है, क्या वो करने वाले हैं इस पर बहुत बड़ा सवाल। लेकिन इन सबके बीच स्पीकर के नोटिस के खिलाफ एक याचिका दी गई है। बड़ी खबर ये भी बता दे, सचिन पायलट गुट ने हाई कोर्ट में याचिका दी है, लेकिन अब मंडे एट 10 AM बेंच जो है नॉर्मली कोर्ट 10:30 खुलती है, लेकिन उस दिन 10 बजे मंडे को बेंच बैठेगी और सुनवाई करेगी। और स्पीकर स्पीकर के लिए लेके हैं कि जो कल लेटर दिया है उसी लाइट में डेफरमेंट किया है कि जो आज 5 बजे की सुनवाई है उसको ट्यूजडे को 5:30 बजे तक के लिए डेफर किया जाएगा। बड़ा सवाल ये भी है कि अब 7 दिन का समय हो जाएगा मंगलवार को। जी वो लीगल इशू है कि अब उसकी कोर्ट की ऑर्डर की वजह से वो 7 दिन का हो रहा है या डेफरमेंट, तो जो ओरिजिनल नोटिस का पीरियड है वो 3 दिन का था और अब ऑब्वियसली 7 दिन हो जाएगा। जी बिल्कुल, मंगलवार 5:30 बजे पहले तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए ये समझ लीजिए राजस्थान विवाद पर जो सोमवार तक सुनवाई है वो टल गई है। सीधे सीधे सर बहुत बहुत शुक्रिया कर रही हूँ आप लोगों का। एक लास्ट कमेंट अशोक जी आपका ले रही हूँ मैं, क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहा है कि अब राजस्थान की राजनीति में होगा क्या, क्योंकि ऑडियो टेप से जो भंवरजाल बना है उसमें से निकलने में बहुत मुश्किल है। लेकिन सचिन पायलट जिनका रास्ता सिर्फ दोनों तरफ पार्टियों का एक ही हाल है, बीजेपी का भी वही मत है, कांग्रेस के साथ जाएंगे तो भी उनका वही हाल है, तो फिर उनका रास्ता रोकने वाले में सबसे बड़ा नाम सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? सवाल यह है कि सचिन पायलट के कैलकुलेशन गलत हो गए। सचिन पायलट ने बहुत ही गलत खेल खेला है। रही बात उस टेप की, तो मैं एक बात और इन्फॉर्मेशन आपको दूं, राजस्थान गवर्नमेंट ने उस टेप की ऑथेंटिसिटी पहले ही चेक करवाई है रिलीज करने के पहले फॉरेंसिक लैब से। वो भी नहीं कोई कह सकेगा कि एक हम नहीं मानते इस बात को। रही बात दूसरी, ये भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह और कांग्रेस का अंतर्कलह, इसके चक्कर में राजस्थान की जनता भोग रही है, ये बात बिल्कुल क्लियर कट सामने दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का। लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि देखिए पार्टियों के अंतर कलह के बीच जनता इस बात के कश्मकश में है कि उनका नेता आखिर कौन और आगे उनके नेतृत्व का भविष्य कौन। और इसी सवाल के साथ छोड़ के जा रही हूँ, इस खबर पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जी हिंदुस्तान आपको देता रहेगा। फिलहाल इतना ही।